वसई विरार शहर को जोड़ने वाली सभी 7 प्रमुख सड़कों का कायापलट होने वाला है और इसके साथ ही शहर में 12 नए फ्लाईओवर भी बनने वाले हैं, जिससे यहां तेजी से बढ़ रही आबादी की राह आसान हो जाएगी। वसई विरार के 7 प्रमुख रास्ते, जिनमें विरार फाटा से अरनाला, ये टोटल 18 किलोमीटर, 11 किलोमीटर का रास्ता है नाला सोपारा फाटा से नाला सोपारा पश्चिम, 5 किलोमीटर का रास्ता है टिवरी फाटक से भोईदापाड़ा, 4 किलोमीटर सातीवरी फाटा से रेंज ऑफिस नाका, 3 किलोमीटर वालिब से गावराईपाड़ा, 10 किलोमीटर बापाने से उमेलमान फाटा, ये सभी रास्ते अब कंक्रीट के बन जाएंगे। साथ ही जो नए फ्लाईओवर ब्रिज बनने वाले हैं उनमें मानिकपुर जंक्शन, रेंज ऑफिस, चंदन सारनाका, श्रीपस्था, पाटनकर पार्क, लक्ष्मी शॉपिंग सेंटर, बोलिंज खरोड़ी नाका, साइंस गार्डन, मनवेलपाड़ा विरार, फूलपाड़ा जंक्शन, भाबुला नाका, वसंत नगरी सिग्नल और नारंगी साई नगर के नाम शामिल है। ये काम पूरा होते ही वसई विरार की तस्वीर ही बदल जाएगी और तस्वीर बदलने का यह पूरा प्रयास किया है बहुजन विकास अघाड़ी प्रमुख और विधायक हितेंद्र ठाकुर ने। इसके लिए साल 2023 में विधायक हितेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री से विकास कार्यों के लिए बजट की मांग की थी और इसका प्रस्ताव मनपा ने MMRDA को भेजा था, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री ने 1878 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है और जल्दी ही निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्य भी शुरू होने वाला है। इस सिलसिले में विधायक हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर ने MMRDA के अधिकारियों और महानगर पालिका अधिकारियों के साथ अपने विरार स्थित कार्यालय में मीटिंग की और इन विकास कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए आगे की रणनीति बनाई। इस दौरान युवा विधायक क्षितिज ठाकुर ने अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए विभिन्न पहलुओं पर सुझाव दिया और यह कार्य जल्दी पूरा हो इस पर रणनीति बनाई है।